हेलो गाइज, आई एम राहुल पासवान एंड वेलकम बैक टू द चैनल डांस ड्रीम ऑफ पैशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आई होप दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन खुल चुका है, बहुत सारी क्लासेस भी अब खुल चुकी हैं, तो अब तो आपको डांस क्लासेस जा सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, आज मैं वीडियो उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो लोगों के पास डांस सीखना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं होते, वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस वगैरह की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और उन्हें डांस सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। सो गाइस, उनके लिए खासकर ये वीडियो है और बिगनर्स लोगों के लिए है। मैं आज आपको दोस्तों बहुत ही सिंपल और फेमस 3 स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जो कि आप अपने डांस में, हिप हॉप वगैरह में, बहुत सारी वीडियोस में आपने बहुत सारे डांसर्स को ये स्टेप करते हुए देखा होगा और आपको भी मन करता होगा कि ये स्टेप्स कैसे होता है और आप इस स्टेप को सीख कर किसी भी आप अपने डांस की वीडियो में, आप अपने डांस की कोरियोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं अपने स्टाइल के साथ, डिफरेंट वेरियंट्स के साथ। तो अगर आप मेरे इस स्टेप को सीखना चाहते हैं और जिन लोगों को नहीं आता और तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, स्किप मत करना। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो मैं ट्यूटोरियल सिखाने जा रहा हूँ ये बिगनर्स डांसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस, देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। और ये जो स्टेप है बहुत ज़्यादा हिप हॉप में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे स्टाइल में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे फ्री स्टाइल में, हिप हॉप में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट गेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सेकंड पोजीशन पे खड़ा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको क्या करना है, मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो पहले बनाई थी जो काफ़ी लंबी वीडियो बनी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ फुटवर्क जो सिखाए थे वो फुटवर्क जब तक आपको आएगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है तो तब तक आप ये स्टेप नहीं सीख सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपना वेट शिफ्ट करके लेफ्ट लेग के ऊपर आ जाना है एंड देन आपको शिफ्ट करने के बाद जो राइट वाला लेग है उसको ऊपर की तरफ उठा लेना है। और ये क्या करना है, इसमें हमें राइट वाला जब हमने ऊपर उठाया तो इसको हम किक मारना है। किक मारेंगे दोस्तों तो हमारा जो लेफ्ट वाला लेग है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे दोस्तों, यहाँ से उठाया एंड किक मारा तो ये हमारा जो लेफ्ट लेग है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये हमने किक मारा, ये देख सकते हैं आप, तो ये हमारा जो लेफ्ट वाला है वो पीछे की तरफ रिवर्स, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। और ये स्केट्स, वैसे तो इसे हम स्केट्स कहते हैं, तो आप ये स्केट्स का स्टेप सीख लीजिए, उसके बाद आप बड़े आराम से ये स्टेप सीख जाएंगे। तो फुटवर्क करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल बहुत ही बेसिक हिप हॉप का फुटवर्क है, तो यहाँ से हमें वेट शिफ्ट करना है लेफ्ट के ऊपर, राइट ऊपर किया एंड किक मारा तो हमारा वेट जो है अभी भी लेफ्ट के ऊपर है और शिफ्ट हो गया हमारा आगे से पीछे की तरफ। अब जैसे ही हमारा वेट स्केट किया, जैसे ही हमारा लेफ्ट लेग पीछे की तरफ स्केट किया तो हमें जो हमारा राइट वाला लेग है उसको टच कर देना है फ्लोर पे आगे की तरफ। एंड जैसे ही हमने टच किया तो हमारा कितने काउंट्स हो गए दोस्तों, शुरू से एक बार याद कर लेते हैं। यहाँ से 1 2, तो हमने 2 काउंट्स अभी क्लियर कर लिए हैं यहाँ से दोस्तों। यहाँ से क्या किया, यहाँ से 1 2, अब 2 हमारा स्टेप टच हो गया राइट वाला आगे। 3 हमारा दोस्तों, हमारा जो लैग है लेफ्ट वाला वो लेफ्ट की तरफ आउटसाइड बाहर की तरफ चला जाएगा। 4, सो गाइस आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हमें ऊपर उठाना है एंड जंप करके किक मारना है यहाँ से 1 2 3। सो आई होप दोस्तों, एक बार और करके देखें, यहाँ से 1 2 टच। सो दोस्तों यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेम ईयर हमने जो राइट की तरफ से लेग्स को स्टार्ट किया था वैसी दोस्तों अब हमें लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे लेफ्ट वाले लेग को टच कर लिया फ्लोर से। अब टच करने के बाद जस्ट तुरंत ही बाद दोस्तों हमें ऊपर उठा लेना है। अब हमारा जो वेट आ गया है दोस्तों वो राइट के ऊपर आ गया है। अब सेम ईयर हमने दोस्तों जो राइट साइड की तरफ किक, जब राइट्स की तरफ से किक किया था हिट करके लेफ्ट की तरफ ओपन किया, अब दोस्तों हमें क्या करना है, लेफ्ट को किक करके राइट को बाहर की तरफ ओपन करना है। कैसे, यहाँ से लेफ्ट को किक मारेंगे तो हमारा राइट वाला स्केट्स की तरफ पीछे स्लाइड करके चला जाएगा। यहाँ से 4 किया, उसके बाद दोस्तों हमारा 5 फ्लोर पे टच, 5 एंड क्लोज और इनसाइड आए एंड 6। सो गाइज आई होप कि आपको
सिक्स काउंट आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और मैं आपको एक बार और दोस्तों मैं आपको सिक्स वन से लेकर सिक्स तक दोबारा से बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको क्या करना है, वेट शिफ्ट किया यहाँ से वन टच थ्री, वन टच थ्री। सो एक बार और करें दोस्तों काउंट्स में, यहाँ से वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एंड वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन। सो गाइज आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा अगर फास्ट करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं फिर तीसरी बार में फास्ट करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ से अब किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सो आई होप दोस्तों कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा और फास्ट करके दिखाऊँ यहाँ से दोस्तों, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सो आई होप गाइज कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके साथ ही हमें क्या करना है, अपने हैंड्स को भी यूज़ करना है। कैसे दोस्तों, जब हम लेग्स को किक मार रहे हैं तो हमें हैंड्स जो है वो आगे की तरफ पुश करना है, आगे की तरफ धक्का देना है, आगे की तरफ लेग्स के साथ ही हैंड्स को भी आगे लेके जाना है। यहाँ से दोस्तों वन ओके दोस्तों एंड टैप द टू थ्री ओपन कर लेना है, थ्री पे हमें ओपन कर लेना है। वन पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ से वन क्लोज एंड ओपन, टू क्लोज ओपन, वन क्लोज ओपन। मतलब कि दोस्तों जब हम इस स्टेप को स्केट्स करने के बाद जब इनसाइड की तरफ टच करते हैं तो हैंड्स को हमें इनसाइड करना है एंड थर्ड काउंट्स में हमें ओपन कर देना है। तो एक बार बिगिनिंग से लेकर दोबारा मैं आपको सिक्स राउंड हैंड्स के साथ दोबारा से करा देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और इसमें जो हमारे हैंड्स चल रहे हैं दोस्तों वो जैज हैंड्स चल रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारा इंडियन होता है और ये हमारा जैज हैंड होता है, तो हैंड्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी आप इस स्टेप को करें तो आप जैज में कर सकते हैं। तो ये हमारा हिप हॉप का बहुत ही सिंपल सा फुटवर्क था जो मैं आपको अब तक सिखा चुका हूँ दोस्तों। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा दोस्तों क्या है, नेक्स्ट स्टेप भी दोस्तों स्केट्स की तरह ही है। सो फर्स्ट सेकेंड पोजिशन में हमें यहाँ से दोस्तों, तो दूसरे स्टेप चलने के लिए दोस्तों आपको डायगोनली ऐसे मेरी तरफ जैसे मुझे देख सकते हैं आप ऐसे खड़ा हो जाना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको किक मारना है आगे की तरफ ऐसे किक। जैसे ही दोस्तों मैंने आपको उधर किक वाला ये स्केट सिखाया था वैसे दोस्तों हमें राइट लेग के लेफ्ट लेग के ऊपर वेट रखना है और किक मारना है आगे की तरफ। जैसे आगे किक मारेंगे तो हमारा लेफ्ट लेग पीछे आ जाएगा जैसे आप मुझे देख सकते हैं एंड फ्लोर पर टच हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फिर दोबारा फ्लोर पर टच हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा से करते हैं दोस्तों। तो फिर क्या करना है, आप किक मारा वन टू, सो एक बार और करें यहाँ से दोस्तों आप वन टू। अब जब टू हमारा काउंट हो गया दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, हमारा लेफ्ट वाला लेग जो पीछे है उसको हमें टो पे, टो मतलब कि दोस्तों हमें पंजे से स्लाइड करके आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हमें किक मारना है वन टच एंड क्लोज। अब जब हमारा लेफ्ट वाला क्लोज हो गया है तो हमारा राइट वाला है, अब राइट वाले पे वेट शिफ्ट हो चुका है, हमारा लेफ्ट वाला टो पे आ चुका है। जैसे कि आप मुझे, मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब दोस्तों सेम हेयर हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट वाले को किक करना है और राइट वाले को स्लाइड करके पीछे खींचना है। सो एक बार मैं साइड से दिखा देता हूँ, लेफ्ट वाले को किक करना है और राइट वाले को पीछे खींचना है यहाँ से वन एंड टच एंड फिर आपको जैसे मैंने ही बताया था कि लेफ्ट वाला हमारा टो पे स्लाइड होके आ गया था वैसे ही अब हम राइट वाला स्लाइड होके आगे आ जाएगा। सो एक बार दोबारा वन से लेकर बिगिनिंग से लेकर जो अब तक मैंने किए हैं वो पूरे काउंट फिर से बता देता हूँ यहाँ से दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, वन टू थ्री थ्री। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम राइट वाले को किक मार के आगे लेके जाते हैं तो टच करते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला है वो स्लाइड होके आगे आता है, और जैसे ही ये आगे आता है टोपे तो हमारा जो वेट है राइट वाले का वो भी दोनों जो लेग्स है एक दूसरे के साथ इनसाइड क्लोज हो जाते हैं ऐसे। सो अब यहाँ से हमें दोस्तों क्या करना है,
वेट हमारा राइट पे आ गया है, अब लेफ्ट वाले को किक करना है, टू एंड टच एंड ये टो पे आया हमारा एंड दोनों इनसाइड। जब हम ऊपर की तरफ जंप करेंगे तो हमें चीट कर हमें क्या करना है, दोनों लेग्स को इनसाइड की तरफ स्क्वीज़ कर लेना है, क्लोज करना है अंदर की तरफ। सो गाइज आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या करना है हमें, यहाँ से सेकंड पोजीशन इनसाइड लिया, किक टच इनसाइड, किक टच इनसाइड एंड किक टच इनसाइड एंड किक टच इनसाइड, किक टच इनसाइड, किक टच इनसाइड। सो गाइज आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार दोबारा काउंट्स पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों सेकंड पोजीशन एंड यहाँ से वन एंड टू थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स सेवन एंड एट। तो एक बार मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखा देता हूँ, और अगर हम फास्ट करेंगे तो किस तरह का दिखाई देगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से वन एंड टू फोर फाइव एंड सिक्स सेवन एंड एट। थोड़ा इस साइड से करके आपको दिखा देता हूँ, वन टू आई होप गाइज कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, और जिन लोगों को नहीं आता वो लोग सीख सकते हैं मेरी वीडियो को देखकर। गाइज आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब मैं आपको तीसरे स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। ये भी बहुत ही सिंपल सा और कॉमन सा स्टेप है, और आपको सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमें तीसरे स्टेप के लिए क्या करना है, सेम दोस्तों हमें सेकंड पोजीशन पे खड़े हो जाना है, और सेम दोस्तों मैंने स्केट्स आपको सिखाया था, तो ये भी दोस्तों सेम स्केट्स की तरह ही है, बट इस स्टेप को हम दोस्तों किक बॉल चेंज बोलते हैं। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम सेकंड पोजीशन पर खड़े हैं जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, और आपको क्या करना है, वेट हमारा शिफ्ट होके आ गया लेफ्ट वाले के ऊपर मेरी तरह, एंड हमें फिर दोबारा किक मारना है यहाँ से वन। ओके दोस्तों जब हम किक मारे तो हमारा लेफ्ट वाला लेग वो पीछे आ चुका है। सो एक बार दोबारा से करें, यहाँ से वेट शिफ्ट किया, यहाँ से किक मारा वन, अब हमारा राइट वाला आगे की तरफ आ गया। अब जब किक बॉल चेंज है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने किक मारा राइट लेग ऊपर है, तो हमें राइट लेग का जो हील्स है, तो जो हमारा बॉल होता है राइट लेग के नीचे, यानी जो हील्स होती है यहाँ पे आप हील्स होती है, इस बॉल को नीचे रख देना है। आप क्या करना है दोस्तों, नीचे रखने के बाद दोस्तों अब हमारा जो वेट है वो राइट के ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट से शिफ्ट होकर राइट के ऊपर आ जाएगा। एक बार दोबारा से करें दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपने यहाँ लिया इनसाइड एंड किक बॉल। सो दोबारा से करें यहाँ से वन टू। सो हमारा वन काउंट्स क्या हुआ दोस्तों, किक, हमारा वन काउंट क्या हुआ, किक एंड टो यानी बॉल टू। ओके दोस्तों टू के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट लेग है, जो कि मैं आपको थोड़ा डायगोनल हो जाऊँ, लेफ्ट लेग है जो हमारा वेट है जो हील्स पे है, अब लेफ्ट लेग से हमें पुश करना है, धक्का देना है आगे की तरफ ऐसे। जब धक्का देंगे आगे की तरफ तो यहाँ हमारा जो कमर है वो सबसे पहले मूव करेगा, कमर के बाद पेट एंड वेव्स, जैसे कि अब वेव आपने सीखा होगा, तो वेव की तरह ऐसे करके आगे जब वेव लेंगे ऊपर की तरफ आएगा तो लेफ्ट वाला क्लोज हो जाएगा राइट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या करना है, आपको किक मारना है वन एंड टू पे हील्स तक टच कर लेना है, एंड थ्री पे हमारा पीछे से लेफ्ट वाला लेग पुश करेगा, किक मारेगा, तो दोनों पैर एक साथ टुगेदर आ जाएंगे। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं हम, इसे हम किक बॉल चेंज कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ से हमने मारा किक बॉल चेंज, एंड फिर दोबारा दोस्तों एक बार फिर दोबारा से करें, यहाँ से वन टू एंड थ्री।
सो आई होप दोस्तों कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप सेम ही और दोस्तों हमने जो राइट से स्टार्ट किया था वो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है। कैसे दोस्तों? यहाँ से अब हमारा लेफ्ट लेग ऊपर हो गया, किक किया, अब लेफ्ट लेग का हमारा जो हील्स है नीचे का टो है बॉल है वो चेंज किया एंड पीछे से धक्का मारा। पीछे से हमें लेफ्ट लेग से धक्का मारना है यहाँ से टू। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हमें किक बॉल चेंज करना है। कैसे? वेट शिफ्ट किया, किक बॉल चेंज, किक बॉल चेंज, किक बॉल चेंज। थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको क्या करना है, इनसाइड लिया, किक बॉल इनसाइड एंड नेक्स्ट फिर हमारा लेफ्ट वाला किक मारेगा, पीछे स्लाइड गया राइट वाला, किक करते ही हमें बॉल नीचे रख देना है लेफ्ट वाले का एंड पीछे से जंप मार के आगे आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको क्या करना है, किक बॉल, सो किक किया और इनसाइड आगे की तरफ आ गया। सो एक बार दोबारा मैं आपको फास्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह का दिखाई देता है ये। और यहाँ से किक बॉल चेंज एंड किक बॉल चेंज, किक बॉल पैर एक साथ, किक बॉल लेग्स टुगेदर, किक लेग्स टुगेदर, किक लेग्स टुगेदर, किक वन टू। अब दोस्तों इसको आप, मैंने आपको सीधा करके दिखाया, आप इसे तिरछा भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ के वन टू एंड यहाँ से थ्री एंड फोर। सो गाइज मैंने अभी तक आपको सामने की तरफ करके दिखाया, अब मैं थोड़ा सा डायगनल करके दिखाता हूँ। तो डायगनल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, किक रखा, हिट रख, बॉल रखा एंड चेंज। अब ट्विस्ट करते हैं लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, यहाँ से किक बॉल चेंज, ट्विस्ट किक बॉल चेंज, ट्विस्ट किक बॉल चेंज। सो थोड़ा सा फास्ट करूँ, यहाँ से किक वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स सेवन। सो आई होप गाइज कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और बाकी की जो मैंने दो स्टेप इससे पहले कराए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप सीख जाएंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपसे आपके यूट्यूब चैनल डांस ए ड्रीम ऑफ पैशन पर मैं राहुल कुमार पासवान मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, शब खैर एंड डांस ए ड्रीम ऑफ पैशन।